पवन भूप अंजना के साथ शादी तो कर लेता है, शादी करने के बाद जैसे ही डोला पवन भूप के महल की तरफ चलता है, रास्ते में डोला रुकवा देते हैं कि भाई कहार के डोला यहीं रोक दे। अंजना को बाहर बुलवाया जाता है और पवन भूप आदेश करता है कि तेरी सखियों ने ताना मारा था मुझे, आज ये पवन भूप अंजना तुझे 12 साल का दुहाग देता है। अंजना रानी पैर पकड़ लेती है कि महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मेरी सखियों ने कहा होगा, महाराज मैंने कुछ नहीं कहा। अंजना अगर तूने कुछ नहीं कहा तो तूने उनको जवाब भी नहीं दिया कि मेरा बर्ताव है जैसा है मेरे लिए ठीक है, लेकिन तू सारी बातें सुनती रही के कुत्ता मार बनजारा रोया आज वाहे कहानी बन गई। हाँ। कुत्ता मार बनजारा रोया आज वाहे कहानी बन गई। अरे मैं काला तू गोरी थी फिर क्यों कर रानी बन गई, एरी तने शादी नहीं करनी थी मेरे साथ, दुहाग दे दिया 12 साल का। और बाहर जंगल में दुहागी महल में वो अंजना को दोहड़ा बाणा पेरा के बास हाथ में देकर का गुड़ानी कर दी। इधर पवन भूप अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। पूरे 12 साल के बाद अंजना का ख्याल दिमाग में आया कि तू बिना कसूर के उस अंजना को दुहाग दे कहा गया। कुछ काम इंसान के ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में गुस्से में कर तो देता है लेकिन बाद में उन्हीं बातों पे पछतावा होना शुरू हो जाता है। 12 साल के बाद वो पवन भूप अपनी रानी अंजना को याद करता है कि पवन भूप तने गलती करी, तने गलत करा उस अंजना के साथ, अपनी फौज को वहीं छोड़ के अंजना के दुहागी महल की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। जैसे ही महल के नीचे पहुंचा अंजना अपने बाल सुखाती हुई नजर आई, नजर से नजर मिली, पवन भूप ने हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम नमस्कार किया कि अंजना मैं तेरे से माफी मांगने के लिए आया हूं कि महाराज पूरे 12 साल में आज याद आई है तने, पूरे 12 साल में इतनी जल्दी माफी नहीं दूंगी, अरे बहुत सा जहर भरा हुआ है मेरे दिल में, बहुत कुछ कहना चाहती हूं। एक बात के माध्यम से वो अंजना क्या कहने लगती है पवन भूप से सुनेंगे रागिनी के माध्यम से। बताऊंगी तेरे ते और राम रमी तेरी सिर माथे पे ओ आज क्यों कर पागी रही तने, और 12 साल में आज आन के तू कर शान दिखाई तने, शांत दिखाई तने के 12 साल में एक बार भी याद नहीं आई पियाजी मेरी, मैं एक ऐसी औरत हूं
जो आपके एक आदेश के ऊपर बिना किसी कसूर के तुहाग भोगने के लिए तैयार होगी। सोच के देखो, आज किसी औरत ने यो काम करके दिखाओ किसी के गैल, तड़के ही थाना में पाओगा। हाँ, इसे इसे आदमी हो गए, इसी इसी वीरबानी होगी। कोई नू कह देना तेरे दुहाग दूंगा, तू कह देगा फूफा तेरे तो पहला मैं दू तेरे दुहाग। हाँ, माँ बाप भी ऐसे होंगे आजकल, ले ले लाडो फेरे, यो मर गया तो और बतेरे। हाँ, ले ले फेरे। वो जमाना अलग था, आज जमाना अलग है। वहां एक आदेश के ऊपर अंजना 12 साल का दुहाग भोगने के लिए तैयार होगी। दादी, वो जमाना अलग था जब छोरी का ब्याह हुआ करता और जब विदाई हुआ करती तो छोरी रोया करती नोनो आंसू। आजकल आज ना रोवे, आज अगला रोवे से जो लेकर जाओ छोरी ने, और पूरी जिंदगी रोवे। हाँ, यो जमाना बदल गया। पहली बात में कहने लगी, महाराज जैसी खरी अंजना ने तू छोड़ के गया था, मैं वैसे की वैसी आपको पाऊंगी। चाहे 12 साल का दुहाग दे दो, चाहे कितने साल का दे दो, लेकिन पियाजी मेरे अंदर जहर बहुत है। पहली बात के माध्यम से क्या कहने लगती है अंजना? करवा के दुहाग दे दिया, ब्याह करवा के दुहाग दे दिया, मैंने मधरम पे डटगी। शुभ कर्म तो बहुत करे मने, अलग पाप ते हटगी। सुबह उठ के प्रेम भाव ते नाम आपका रटेगी हो, मेरी जोबन मेवा कैसी ढेरी सस्ते भा में बिकेगी हो। जोबन मेवा कैसी ढेरी सस्ते भा में बिकेगी हो। अरे इतने दिन में क्यों कर आया, इतने दिन में क्यों कर महात्मा आप कहे। एक जती मर्द का सती वीर ने छोड़ का बना पाप कहे। Oh!
बिना रह सकती है, ससुर के बिना रह सकती है, देवर जेठ के बिना भी रह जाएगी, लेकिन एक औरत अपने पति के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। पिया जी, हाँ जी, जब एक औरत का आदमी छोड़ के चला जाता है, चाहे वो फौज में चला जा, चाहे वो कितने भी चला जा, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। एकली औरत कमरे में बैठी बैठी भी, चाहे चारों तरफ पूरा कुणबा हो, पूरा कुणबा मिलके भी उसकी एक आदमी की कमी पूरी नहीं कर सकता। महाराज 12 साल इन रंग महला में मेरी क्या हालत थी, एक एक बात बताऊंगी, सुनिए। कर्म करे के पाप और पुण्य, कर्म करे के पाप और पुण्य, भगवान खोलते दीखे दे, पहे माता के लिखे कर्म वे, घाट तोलते दीखे दे, सोमन की चाल जिगर में रोज डोलते दी कैसे, तेरे बिना पिया तेरे बिना इन रंग महला में ये भूत डोलते दी कैसे, अरे तेरे बिना सजा आज मिली है, लेकिन पियाजी मैंने इतने भी गंदे कर्म नहीं करे जो आपने इतना गंदा सलूक मेरे साथ करया। आखिरी बात में वंजना क्या कहने लगती है, एरे क्यों कर दिया दुहाग तने तेरे, क्यों कर दिया दुहाग तने तेरे, भेद बात का पाया ना, जों का आटा मिलिया शेर मने, मिली घणी धन माया ना, महल दुहागी के नीचे ते, महल दुहागी की जड़ ते जड़े, 12 साल तक आया ना, मन की बात कदे ना बुझी, प्यार वीर का पाया ना, मन की बात कदे ना बुझी, प्यार वीर का छाया ना, एरे मेहर सिंह मेरा गल काट्या रे, मेहर सिंह मेरा गल काट्या, एरे झूठी तारी सफाई तने, 12 साल में आज आन के क्यों परेशान दिखाई तने, 12 साल में
दिखाई तने।